Poi la te te do i coca. All right, now Srimati Sandra Wangcha is going to inaugurate Patkar Birds, a green tea manufacturing unit here in Bodoria. In presence of Rami Srimati Chasam Wangcha, इसमें हम रोलिंग करते हैं, शेप उसका पिस्टिंग होता है। पहले हम स्टीमिंग करेंगे, फिर ट्रफ में उसमें हम ठंडा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा रोलिंग मशीन है। रोलिंग आएगा। तो शुरू में आपको टी जो लीफ है वो कहाँ पे लाएंगे? उधर में लाएंगे, फिर हम स्टीमिंग करेंगे। अच्छा अच्छा, स्टीमिंग मशीन पीछे में है, ये ड्राई करते हैं। लास्ट प्रोसेस में आपको ये ऐसे डाल के रखना है, इसमें ट्रे में आपको पहले इसी मशीन पे आएगा। अच्छा अच्छा, प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, अभी गर्म लग रहा है ना, गर्म हो रहा है ना, तरह से निकल रहे। अच्छा अच्छा, ये स्टीमर मशीन है। जैसे ये फर्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं, प्लकिंग के बाद हम इसी स्टीमर मशीन में आते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें हमारा जो कैपेसिटी है वो 8 किलो पर ट्रिप है, मतलब 1 किलो इसमें डाल सकते हैं एक बार में। अच्छा, और 2 मिनट में इसमें रेडी हो जाएगा। इसका होगा कि पत्ता तोड़ने के बाद रेडी होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये जो है मशीन जो रेड होने को बंद कर देता है, मतलब ये ग्रीन जो पत्ता है ग्रीन ही रहेगा। अच्छा अच्छा, इसका काम है ग्रीन को ग्रीन ही रह देना। अच्छा अच्छा, तो ये प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्रीन टी। अच्छा, ये उधर से ये ढक्कन खोलने से ये पत्ता है, ये पत्ता ढलने वाला है, ये ये ढाल के ये ढक्कन बनने बंद होने को है। ये कुल मिला के 8 kg ना? हाँ, कुल मिला के 8 kg है। जैसे ऑन करेंगे ये स्टॉव, आपका मशीन ऑन होने लगेगा, 2 मिनट होने को है। 2 मिनट के बाद हम उसके ये लीवर डाल, लीवर को पुश करेंगे, जैसे ये लीवर है ये दबाना पड़ता है इसको। अच्छा अच्छा, अभी एट ए टाइम अभी 15 सेकंड हुआ है, 30 सेकंड हुआ है। जैसे 2 मिनट हो जाएगा, इसकी लीवर को मैं पुश करूंगा। अच्छा अच्छा, लीवर पुश करेंगे, सारा कुछ किया, जितना प्रोडक्ट आपने हमने इस मशीन के अंदर डाला है। अच्छा अच्छा, आ जाएगा। इसमें मशीन लगा हुआ है, सिंगल फेस का मोटर। अच्छा अच्छा, ठीक है, सिंगल फेस में ये 2 तार आपने देखा होगा, 2 तार से सिंगल, मतलब ये आपके यहाँ के लिए सबसे सही है। 43, 44, 45 हो गया। अभी ये स्टीमिंग कंप्लीट होने के बाद अभी इस प्रोसेस को हम ले जाएंगे अभी कूलिंग का प्रोसेस में। अच्छा अच्छा, ट्रफ फैन है, ये भी सिंगल फेस का है। अच्छा, 2 तार का सिंगल फेस है ये मशीन होता है। अच्छा अच्छा, यही बना है। इसका मशीन का नाम क्या है? इसका ट्रफ है, ट्रफ। अच्छा, ट्रफ फैन नाम है इसका, वेडिंग के लिए। ये हम लोग इसमें 2 तरह का चाय बना सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स और ग्रीन टी। अभी हम बना रहे हैं ग्रीन टी। ये देखिए पत्ता उसको डाल रहा है,
मशीन नाम क्या कैसे मिनी ड्रायर होता है, मिनी बॉक्स ड्रेन ड्रायर, ये जैसा हमारा कंपनी है इंजीनियरिंग वर्क्स नेशनल इनोवेशन पार्ट ऑफ इंडिया एनआईओ को रजिस्टर्ड है सर। ये पैकेटिंग करने के बाद ना हाँ जावंग जी हाँ, आपका टेक्नीशियन जो एक्सपर्ट है वो कौन कौन है? हाँ मेरा एक्चुअली अभी एक टीम मास्टर है और दो लोकल जो जैसे मैंने बोला दो लोकल जो यहाँ पे एम्प्लॉय है और एसएसजी जो पैकेजिंग में इन्वॉल्व होगा। ये है हमारा तीन इंजीनियरिंग रूप से है अच्छा, तो हमें मशीन प्रोवाइड किया है ये। मेरा नाम मनपारस है, मैं टी इंजीनियरिंग वर्क से आया हूँ तिनसुकिया से। हम लोग मैन्युफैक्चरर ऑफ टी मशीनरी है, जैसे ऑटो छोटे छोटे एसटीजी ग्रोअर्स इन लोग को हम लोग जैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए हम मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, पूरा टेक्नोलॉजी इनको हम दे चुके हैं। अच्छा, आपको कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कोई एजेंसी ने आपको इस फंडिंग के कुछ असिस्टेंस कुछ मिला? यस यस डेफिनेटली, नर्डकॉम बोल के यहाँ पर है जो एनईसी के एक प्रोजेक्ट है वहाँ से हमको 3 लाख का ग्रांट मिला है। एंड आई हैव आल्सो बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दीनदयाल स्वावलंबन योजना, उसका अभी तक हमको मिला नहीं है, बट डेफिनेटली आई हैव शॉर्टलिस्टेड, सो आई एम स्टिल होपफुल फॉर द बेस्ट दैट बाय नेक्स्ट ईयर आई विल बी गेटिंग द ग्रांट सो दैट आई कैन एक्सपेंड मोर, यहाँ पर अपना बिजनेस और एक्सपेंड कर सकते हैं। आई विल बी एबल to include more people and hire more unemployed youth as well as SSGs and be involved in the manufacturing and it'll be involved in the packaging purpose as well as yahan ka jo tea grows they can benefit from you know to get a better price. To main aapko ye puchna chahta hu ki aapka inspiration jo hai kahan se mila, ye आपने ये हमें फैक्ट्री बिठाना है ऐसा कोई, इतना आप इतना यंग एज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है तो आपको किसने इंस्पायर किया है? एक्चुअली ये कहानी 150 साल पुराना जाता है जहाँ पर हमारा जो फोर फादर्स है ऑलरेडी नेचुरली जो वो ग्रीन टी जो ग्रो करता था वो ट्रेडिशनली वो लोग ग्रीन टी अपना कंजम्पशन के लिए वो लेता था। अच्छा, लेकिन पायोनियर है यहाँ का जो टी बिजनेस एज अ कमर्शियल क्रॉप जो है हमारे पिताजी श्री श्रीमान वंगमय लोंगचा जी, उन्होंने पहले यहाँ पर टी ऐसा कमर्शियल कैश क्रॉप यहाँ पर लेके आया। यहाँ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो आसाम से जैसे कि अगर आसाम में अगर चाय पत्ती के दाम अगर 20 रुपया हो तो यहाँ पर मिडलमैन यहाँ पर 16 रुपीज में देखे जाता है, तो 4 रुपीज का यहाँ में कम दाम में यहाँ में मिलता है। तो ऐसा होकर मैंने सोचा कि वाई नॉट लाइक यहाँ पर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जहाँ पर यहाँ पे इकोनॉमिक जो यहाँ में प्रोस्पेरिटी जो ग्रो होगा, मैंने अगर 20 रुपया आसाम में है तो यहाँ में 20 रुपया मिलेगा, 4 रुपये का मैंने जो लेस प्राइस है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने से आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा एज वेल एज ऑल राउंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड ड्यू टू टी प्लांटेशन एज अ कमर्शियल क्रॉप वो झूम कल्टिवेशन जो होता है हमारे एटमोसफेयर को जो खराब करता है, यू नो लॉट ऑफ लाइक डिसएडवांटेज कौन सा देयर फॉर टी इज वन ऑफ अ वाइबल एस्पेक्ट इन एग्रीकल्चर जो मैंने हम लोग को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। डेफिनेटली and Tirup district as a whole definitely this will be a pioneer step towards you know like to get a finished product as well as yahan ka per capita income ko increase karne ke liye. Ha rang chhod mang koi o to hum tan ke ho gaye nahi ye pe se in se pe hum ne chhod di ho de anang darat bute ni mai ana ni sin nam ba pun dalam dang dong 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 money. I mean,